तो कैसे हो स्टूडेंट्स। एंड आज हम अपना लेक्चर लेके चलते हैं जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग। नाम से ही समझ आता है प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, आपकी लाइफ की अपनी टेंशन हो सकती है, मेरी लाइफ की मेरी टेंशन हो सकती है। तो एक एजेंडा उस चीज़ को किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, किसी तरह से। ऐसा तो है नहीं कि हर टाइम लड़ाई झगड़े का ही चीज़ें सॉल्व हों या कुछ तीर तोड़ने से ठीक हो, नहीं ना। तो मैटर करता है ना वो कि आपकी सिचुएशन क्या है प्रॉब्लम की। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो लेट्स गो, दिस योर चैप्टर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम ओपन करते हैं। तो देखिए, व्हाई डू वी नीड प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड। मैंने आपके लिए एक ब्लैक कलर का बॉक्स रखा है। तो माइंड क्या है? ब्लैंक है, ठीक है। आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे तब उसमें कुछ चीज़ जाएगी, तब वो आपको एक रिपीटेशन मतलब कि एक आंसर देगा। आप अपने आप से पूछेंगे, मन में सोचेंगे कि आज ये हुआ, तो माइंड में वो चीज़ छपेगी, आज ये हुआ। अगर आप सो रहे हो या फिर आप किसी चीज़ के बारे में कुछ सोच नहीं रहे हो तो क्या हुआ? ब्लैंक। सपोज आपकी लाइफ में आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। आपको पता है मुझे 1 घंटे के तक देने हैं एट एनी कॉस्ट, नहीं तो मेरी जो बाइक है आपकी, जैसे चलिए हम बाइक नहीं गाड़ी ले लेते हैं, कि आपकी फेवरेट गाड़ी फॉर्चुनर है, ठीक है, और आपको किसी को 1 लाख रुपये देना है 1 घंटे के अंदर। सपोज अगर वो बोले कि मुझे तो भाई आपने कमिट किया था तो मुझे चाहिए, आप सॉल्व ही नहीं करोगे कि मुझे 1 लाख रुपये देने हैं, उस चीज़ को इग्नोर कर दोगे, तो आपका माइंड क्या होगा उस जगह? ब्लैंक, यानी कुछ सोचोगे नहीं। तो वो ऐसा करना नहीं है, ठीक है। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अपनी सॉल्विंग हर चीज़ की, कि हमको मेंटेन किस तरह करना है। शायद आपके पास ना हो तो किसके पास से लेने चाहिए, या फिर किसी को ऐसा टाइम दो, या फिर आपके पास आधा पैसा हो उसको आधे दे दो, बोलो कि आधे अभी इतना अरेंज हुआ है हम कल दे देंगे। तो ये सब सारी एक प्रोसेसिंग होती है किसी भी सॉल्विंग माइंड के लिए, ठीक है। ऐसा तो है नहीं ना लाइफ में, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। आपको ही उठा लेते हैं हम स्टूडेंट्स, आपके ही ऊपर हम एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई तो ऐसा तो है नहीं ना उसको लेके बैठ जाओगे सॉल्व नहीं करोगे, हाँ चलो चल रहा है, चलो चल रहा है, चलो चल रहा है। सपोज अब आपके पास मोबाइल है, स्क्रीन फूट जाती है तो क्या होता है? ब्लैंक होता है ना। प्रॉब्लम आ गई ना, जब मोबाइल की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो स्क्रीन दिखेगी। तो ऐसे जब अपनी प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी वेज दिख जाएंगे जाने के लिए रास्ते, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं कि देखिए, व्हाट इज़ ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। दिखती सबको है, मतलब दिखती किसी को नहीं है, जब आती है तो सबको दिखती है। अब प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, आपकी जॉब ना लगना प्रॉब्लम हो सकता है, दिन को कैसे मेंटेन करना है, मम्मी डांट रही है सुबह नहीं उठना है, उठे हो तो उस तरह से, ठीक है। तो व्हाट इज़ ए प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम इज ए सिचुएशन दैट नीड टू बी ए डेल्ट विद यू, यानी कि अपने आप खड़ा होना, एक स्टैंड होना, किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना, कि किस तरह हम उस चीज़ को फेस करते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपने देखा होगा यूट्यूब पर मोटिवेशनल स्पीकर स्पीक पीपल बहुत आते हैं जो कि आपको मोटिवेट करते हैं। माहेश्वरी है एक, ठीक है, वो आपको मोटिवेट करता है कि लाइक हमें सिचुएशन कैसे हैंडल करनी चाहिए। कोई आपको चांटा भी मार दे, चलो वो एक बात अलग है चांटा मारने वाली। तो अगर आपके सिचुएशन कुछ और आ जाती है लाइफ, दो पार्ट आ जाते हैं लाइफ में, कि ये प्रॉब्लम तो भाई बहुत बड़ी, आपकी जॉब छूटने वाली है, बैंक बैलेंस है नहीं है आपके पास, तो क्या करें? जैसे कोविड की सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पर कोई एक्शन नहीं लेती, कोविड जगह दवाई नहीं बनाती, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखती, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं, बढ़ती। देखिए, धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती भी हैं और धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व भी होती हैं। दो तरह की प्रॉब्लम हम लेके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम और एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम। जैसे कि हमारी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम अभी रनिंग में है, यानी कि जो हमारा कोविड है, और शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम हमारी एक तरह से ये हो सकती है कि अगर आपको कोविड हुआ या फिर नहीं हुआ सिम्टम्स, तो अब तो पहले से अच्छे चीज़ें आ चुकी हैं, तो वो चीज़ें अच्छे से फेस हो जाती हैं। चलिए कोविड छोड़ देते हैं हम, तो हम कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जैसे आपको क्या है कि एक आपकी ट्रेन है जो कि 10 बजे या फ्लाइट है, आपको जाना है कहीं US कनाडा, ठीक है। अगर आपने उस कनाडा जाने के लिए 20,000 रुपये की टिकट बुक कराई है, ठीक है। अब सपोज किसी कारण आपकी टैक्सी लेट हो जाती है फ्लाइट पहुंचने तक, ठीक है, 10 बजे की आपकी फ़्लाइट हो और आपको टाइम लग रहा है पहुंचने, तो ये आपकी एक प्रॉब्लम होगी। तो उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करो, ठीक है। तो ये तो आपकी बड़ी प्रॉब्लम होगी, टैक्सी एट एनी कॉस्ट तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकती एट द राइट टाइम, क्योंकि अभी आपकी जर्नी 1 घंटे की और आपकी ट्रेन
आने वाले 20 मिनट्स में आपकी फ़्लाइट्स टेक ऑफ कर जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये तो चलिए बड़ी प्रॉब्लम है। बाद बाकी छोटी मोटी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम आपको कैसे सॉल्व करनी है, कि किस तरह कोई से किसी ने आपसे पैसे लिए हैं तो वो कैसे आपको रिटर्न करने हैं। तो देखिए, इजी होता है टॉक ऑफ वे किसी से बात करना है। सिचुएशन ये है कि आप किस तरह से, किस लहजे में किससे बात करते हैं, है ना। रोड पे चल रहे हो, आपकी बाइक किसी ने ठोक दी या आप गिर गए या कुछ हुआ, आप उससे जैसे रिएक्शन करोगे, गलती आपकी होगी, आप उससे रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन में रिएक्शन तो होगा ही, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। हमारे दोनों को बैठ के मैटर चीज़ों को सॉल्व करना होता है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो देखिए, देयर्स मैनी ऑफ वेज ऑफ सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक। तो उसके बाद स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखिए डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, ठीक है। सपोज आपसे कोई पूछे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप बताएं ही ना, है कि नहीं, तो फिर सामने वाला कैसे कैलकुलेट कर पाएगा कि आपको, हो सकता है कि सामने वाला भी आपको कोई सजेशन दे दे, तो कुछ सजेशन उसके लो, कुछ अपने लो, तभी तो कोई चीज़ से, प्रॉब्लम से फाइट कर पाओगे आप या फिर कुछ कर पाओगे। सबसे पहले किसी चीज़ को डिफाइन करना होता है, ठीक है। आप कोई बाइक लाते हो, अच्छी बाइक है, महंगी बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक, आप 4-5 लाख की लेके आए, सोसाइटी में लेके आए, तो लोग पूछेंगे ही ना कि कैसी बाइक है, कितने की आई वगैरह वगैरह, कितनी स्पीड जाती है, क्या माइलेज देती है, ये सब। तो आप उसको डिफाइन करोगे ना उस चीज़ को, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर चीज़ें अपनी शेयर करनी होती हैं और लोग डिफाइन भी करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, है ना, जनरेटिंग अल्टीमोटिव्स, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले सब प्लान एकदम से जनरेट करने पड़ेंगे, नहीं यार मैं तो इसे इस तरह कर सकता हूँ, नहीं हाँ मैं इस तरह कर सकता हूँ, कि चलिए आप सजेशन दिए इस तरह, ये सब एक टॉक हो गया, किस तरह उसको एक तरह से वे में लाया जाए, चूजिंग द बेस्ट अल्टीमेटिव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मेन बात आती है कि आप किस तरह से किसी चीज़ को अल्टीमेटिव चूज कर सकते हो, लाइक तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या और कुछ है, या कुछ कोई और आपको गलत एडवाइस तो नहीं दे रहा, आपकी प्रॉब्लम को कोई और तो नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है। ये सब होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बस कल्पनाओं में अपनी में खोए रहे हैं कि अच्छा प्रॉब्लम है तो मैं जो हूँ उसको ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा, सिर्फ अपना इमेजिन कर रहे हो अपना, कि उसको सॉल्व कर रहे हो। सॉल्व करना तो होता है तब आप किसी चीज़ को एकदम रिलैक्सेबल फील करो, ठीक है। उसके बाद फीडबैक, लाइक आपने अपनी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व करी है, तो आप अपने खुद आपसे पूछ रहे हो कि यार मैंने ये चीज़ ठीक करी है किसी के साथ, या फिर कैसा करना है, या फिर मैंने उसको, अगर मान के चलिए आप किसी के पैसे हैं आप नहीं दे रहे हो, आपसे उससे कह रहे हो कि जा तू जो करना है कर ले, इस तरह से लाइक उसके साथ बिहेव कर रहे हो, तो फीडबैक अपने आप से ही आपने ये पूछेगा, और वो बंदा बेचारा सीधा है, उसने कहा ठीक है चलो आप रख लीजिए, तो वहाँ पे एक नेगेटिव इमेज बन के आती है, कोई वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। तो इस तरह एक इंसान को ना हैबिट पड़ती है किसी चीज़ की, अपने कार्यों से मतलब अपने के वर्कों से बचने की, और ये चीज़ आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनों में डिपेंड नहीं करेगी आपको, वो आपको तुरंत फायर कर देंगे वहाँ से, ठीक है। तो अब कंपनी में काम कर रहे हो, आपका कोई इशू आया, तो ऐसा तो है नहीं कि आराम से बैठ गए, तो उस चीज़ को सॉल्व करोगे ना, जहाँ आपकी सैलरी 50,000 रुपये है वहाँ एकदम फटाक से करोगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पर रीज़न है आपके पास, क्योंकि आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो यही चीज़ है, वहाँ एक फीडबैक मिलेगा, फिर आप सोच तक हो सकता है कि आप सोचो उस चीज़ के बारे में कि यार मैंने तो गलत किया है, सही किया, ठीक है। तो एक तरह से फीडबैक मिलना है, आपका दोस्त होता है कि चलिए ठीक है, हाँ तूने ये बहुत अच्छा किया है कि इस तरह से उस चीज़ को ख़त्म किया या निपटा लिया आपने, अपनी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व कर ली। तो फर्स्ट डेफिनेशन, सॉरी फर्स्ट डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, इफ़ आई हैड एन 1 आवर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, ठीक है। ये एक थॉट लिखा है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इफ़ आई हैड 1 आवर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, ठीक है, आई हैड स्पेंड 15 मिनट्स थिंक अबाउट द प्रॉब्लम एंड 5 मिनट्स थिंक अबाउट सॉल्यूशन, ठीक है। वो 55 मिनट से सोच रहा है एक प्रॉब्लम के बारे में, 5 मिनट में सॉल्यूशन उसने ढूंढ लिया। सपोज देखिए, ये एक बेटर वे है कि आप प्रॉब्लम सिर्फ सोचो सोचो, उसको इतना सोचो कि आपको, चाहे आपको 2 दिन लग जाए, पर उसका जो अच्छा फीडबैक आए 5 मिनट में आ जाए कि चलिए ठीक है। इफ़ आई हैड 1 आवर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, अगर मैं 1 घंटा एक प्रॉब्लम को सोचता हूँ, आई हैड ए 1 आवर सॉल्व ए प्रॉब्लम,
अगर मैंने 1 घंटा लिया एंड 55 मिनट थिंक, 55 मिनट उसके बारे में सोचा एंड 5 मिनट में उसने वो सॉल्यूशन ले लिया, तो ये बुरी बात तो है नहीं। अब ऐसा नहीं है डिसीजन तुरंत लिए जाते हों, ठीक, किसी कोई हार्डनेस चीज़ है। तो ये चीज़ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने की है कि वो किस तरह से उस नज़रिए को देखते हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ज़्यादा सीरियस तो वो उस पर कितना टाइम दे सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि सब एक बार में 100% हाँ करें, ठीक है, कि हाँ मुझे तो ये ठीक लगा, एकदम सामने वाला भी सेटिस्फाई हो आपसे और आप भी एकदम से सेटिस्फाई हो। ऐसा नहीं है काम चला हुआ, हाँ चल ठीक है ऐसा तो हो गया, चलो ठीक है वो भी मान गए आप भी मान गए, बट वो एक्चुअल में 100% आपका सॉल्यूशन प्रॉब्लम नहीं होगा। वो क्या होगा वहाँ पे, थोड़ा सा आपकी सॉल्यूशन और वो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, ठीक है, बट ये जाएगी कि आप सोचोगे यार ठीक है आज तो मैंने उसको इस तरह से कर दिया, बट क्या कल को या 2 दिन के बाद जब मैंने टाइम दिया तो वो चिक चिक करेगा मेरे से, तो ये कोई एक मैटर नहीं होता उस चीज़ का। तो आपको प्रॉब्लम्स सोचनी पड़ेंगी कि किस तरह से हमको इसको फेस करना है। जब एल्बर्ट आइंस्टीन इतना कह सकते हैं तो क्यों ना वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल ये था कि बिजनेसमैन के लिए मैं देता हूँ कि एक बिजनेसमैन था, उसको टाइम मिला था कि आप इतना अर्न करते हो तो आप किस तरह अपनी मनी सेविंग्स करते हो, टाइम बचाते हो, हम आपको बोलने के लिए 1 घंटा या फिर आधा घंटा देते हैं। तो उसने भी सेम कंडीशन भी यही करी, उसको 30 30 मिनट मिली बोलने के लिए, बट उसने अपना एग्जैक्ट काम 20 मिनट्स में कर दिया। तो 20 मिनट्स में करने के बाद बोला आई एम डन, तो उन्होंने बोला कि हमने आपको 30 30 मिनट दिए हैं, तो उन्होंने बोला तो जो मेरा 30 मिनट का काम था मैंने 20 मिनट्स में कर दिया एंड 10 मिनट्स आई हैव सेविंग, तो दैट्स इज कॉल्ड बिजनेस। तो फिर दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम, ये भी हम कह सकते हैं। तो उसने 10 मिनट अपने बचा लिए, तो ये होता है एक बिजनेस या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मैटर, जो कि आप टाइम कितना भी लगा लो बस उसका जो अच्छा रिजल्ट है वो प्रॉपर एक टाइम में आए, ठीक। प्रॉब्लम सॉल्विंग पीपल, एक्सपर्ट प्रॉब्लम सॉल्वर ये भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कौन कौन हो सकते हैं, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग पीपल कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कि एक माहेश्वरी, जो जितने भी मोटिवेशन स्पीकर होते हैं वो सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, क्या करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपर्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप किसी के पास जाओगे जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, आप बोलते हो कि भाई मुझे रात को नींद नहीं आती, तो डॉक्टर तो ये थोड़ी नहीं कहता कि चल ठीक है नहीं आती तो कोई बात नहीं सो जाए कब तक नहीं आएगी, और हो सकता है वो आपकी एक बीमारी हो, बीमारी मतलब प्रॉब्लम, ठीक है, हर चीज़ की बीमारी एक प्रॉब्लम ही होती है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, रात को नींद ना आनी, बुखार हो सकता है, किसी से झगड़ा करना हो सकता है, कुछ चीज़ तोड़नी हो सकती है, या फिर आप इतने फर्स्टेड हो कि आपको मतलब कि हो सकता है शायद मेरा लेक्चर भी बुरा लग रहा हो, है तो ये भी हो सकता है एक प्रॉब्लम। और उसके बाद आपने कुछ चीज़ तोड़ दी, आपको इरिटेशन है किसी चीज़ की, लाइक कैसे किसी चीज़ को आप तोड़ देते हो, ठीक है, और आप डॉक्टर के पास जाते हो कि मुझ में गुस्सा बहुत है, लाइक इस तरह के बहुत लोग हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या हो गया, डॉक्टर एक एक्सपर्ट हो गया कि किस तरह से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, यानी कि एक बेटर सॉल्वर, यानी कि ये समझ लीजिए कि एक अच्छा एक्सपीरियंस कोच, ठीक है, SMS यानी कि सब्जेक्ट मैटर एनालिस्ट। तो ये क्या करते हैं, उन्होंने बोला, एक्सपर्ट के पास गया सपोज, और उसने बोला कि अच्छा आपको प्रॉब्लम क्या है, तो जब वो उसको डिफाइन करेगा डॉक्टर को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है कि कोई मुझसे कुछ कहता है तो मुझे चिड़चिड़ापन आता है, तो डॉक्टर उसको पूरा फीडबैक लेगा कि अच्छा आपने ऐसा किया था या आप ऐसा करते हैं तो आपको कैसा फील होता है या फिर वगैरह वगैरह, वो पूरा उससे एनालाइज करेगा, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद एक प्रॉब्लम सॉल्वर ये भी हो सकता है एनालिस करने वाला, कि आपके पूरी चीज़ों को लिखे फिर उस हिसाब से उस पैटर्न में आपको ढाले, ठीक है। तो पीपल हु कांट थिंक ऑफ अल्टरनेटिव्स इवन वहन नो क्लियर सॉल्यूशन सीम्स अपरेंट, ठीक है। तो जब कोई एक अच्छी तरह से वो नहीं मिलता है सॉल्यूशन, हम थोड़ा सा हट जाते हैं अभी यहाँ से, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमको अच्छा सा एक सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम बहुत दिक्कत में आ जाते हैं, ठीक है। तो पीपल हु कैन थिंक अल्टरनेटिव इवेंट्स नो क्लियर सॉल्यूशन सीम्स अपेरेंट, तो यानी कि कोई सॉल्यूशन अच्छे तरह से कोई स्पष्ट दिखाई नहीं देता। पीपल हु कैन थिंक, जो सोचते हैं कभी कभी, जो सोच लेते हैं वो नहीं होता है, जब वो करते हैं वो चीज़ इजीली हो जाती है। जैसे कोई चीज़ मैंने बोलूँ क्या कुछ नॉर्मल समझाऊँ, बट कोई पीपल होता है कि उसको डिजिटली ज़्यादा समझ आता है, हो सकता है उसको स्पीक करके
बोलना सही नहीं लगता। यही चीज़ है पीपल हु कैन थिंक, जो सोचते हैं अल्टरनेटिव इवन वैन क्लियर सॉल्यूशन, उनको क्लियर सॉल्यूशन एकदम स्पष्ट चाहिए जब वो एकदम से संतुष्ट होते हैं हर चीज़ से। ठीक, देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्रूमेंट, सबसे पहले कंटेंट अंडरस्टैंडिंग, आपका कंटेंट समझना है उसको, लाइक कंटेंट क्या, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आप किसी को डिस्क्राइब करोगे या खुद से ही वो चीज़ करोगे। सेकंड इज डोमेन डिपेंड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, कि आपकी एक क्या स्ट्रेटजी है उस चीज़ को लेके। सेल्फ रेगुलेशन, खुद की एक रेगुलेशन मेंटेन करनी पड़ेगी। अब दिन में 10 चॉकलेट खाते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, एक अच्छी हैबिट तो है नहीं ना चॉकलेट खाना, या आपके लिए हो सकती है जो खाता है। तो एक सबसे बड़ी बात, जहाँ आपको वीक पॉइंट है चॉकलेट या बर्गर या पिज्ज़ा के, जहाँ आपको देखा आप उसके फ़ैन हो, बस खाओगे खाओगे, तो वो भी एक सेल्फ रेगुलेशन है कि नहीं हमें कंट्रोल में रहना है। ठीक है, तो कंटेंट मैंने आपको जैसे बताया कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से देखना या फिर समझना, और उसके बाद सॉल्विंग स्ट्रेटजी, आपको स्ट्रेटजी पूरी क्रिएट करनी है किस तरह से हम उस चीज़ को मेंटेन करेंगे या आगे के लिए सोचेंगे। अब आता है सेल्फ रेगुलेशन, कि खुद पे किस तरह हमें कंट्रोल किया जाए चीज़ों से बचने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस में होती हैं किसी भी सॉल्विंग को अच्छे से रिक्वायरमेंट के लिए। अब होता है मेटा कोगनाइटिंग, उसके अंदर आता है प्लानिंग, सेल्फ मोनिटाइंग, ठीक है, प्लानिंग आप किस तरह से किस चीज़ की करते हो, सेल्फ मोनिटाइंग अपने आप को किस तरह ढालते हो, ठीक है। फिर आता है एफ़र्ट्स, कितना एफ़र्ट्स आप कर सकते हो, कितना मोटिवेशन आप ले सकते हो किसी चीज़ से, खुद से ले सकते हो। फिर आता है आपका सेल्फ एफिशिएंसी, यानी कि आपकी पावर, आपकी क्षमता क्या है खुद की, कि आप खुद पर कितना कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट कि क्राफोर्ड स्लिप रिटिंग टेक्निक, आइडिया रिटन हेयर, कि आप अपनी ज़्यादा ही प्रॉब्लम में है या आपको चीज़ें समझ में आती हैं या नहीं आती हैं, जो भी है, तो सबसे पहले आइडिया रिटन, सबसे पहले आप अपने आइडिया लिखिए जो कि आपको हर टाइम दिखे। यानी कि आप अपने ऑफिस में हैं तो चिट बना के रखिए अपने डेस्क के आगे, या अपने घर पर हैं तो एक चार्ट लगा लीजिए कि नहीं नहीं मुझे आज के दिन में इतना फेस करना है, ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे इनसे क्लियर होना है। ऑल आइडियाज़ आर रिटन एट टॉप ऑफ कार्ड, यानी कि एक कार्ड पर वो चीज़ रखिए जो आपके सबसे ऊपर हो, जो कि आपको बार बार उस चीज़ का एहसास कराएं कि नहीं ये यार दिक्कत है, मुझे इस चीज़ को करना है, या फिर किसी के पैसे रिटर्न करने हैं 10 तारीख को और आप सोच रहे हैं यार इतना अमाउंट में कैसे दूँ, कहाँ से दूँ, और हो सकता है आपकी लाइफ इतनी बिजी हो कि आप उस चीज़ को भूल जाओ। तो बार बार पैसे का ही नहीं, और भी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं टैकल करना। जैसे एक बंदा अपनी लाइफ में गोल सेट करता है कि यार उसके लिए वो पागल होता है कि मुझे 5-6 गोल तो करने ही है अपनी लाइफ में, तो वो क्या करता है अपने चार्ट बना के जस्ट सामने रखता है ताकि वो उस चीज़ को देख के रिवाइन होता रहे। ठीक है, तो आपको भी उसी तरह अपनी प्रॉब्लम्स लिख के रखनी पड़ेंगी, फेस करना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी, तब आप उस चीज़ को दे पाओगे। वन सेंटेंस पर स्लिप, ठीक है, आप वन सेंटेंस लिखिए हर एक स्लिप पर, यानी कि ये मुझे आज की ये मेन प्रॉब्लम ये सॉल्व करनी है, सेकंड मुझे वहाँ जाना है, जाके मेरी गाड़ी का टायर फट गया है, 10 किलोमीटर मुझे पैदल जाना है, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करूँगा, वो चीज़ प्रॉब्लम लिखिए। और इफ़ यू नीड टू एक्सप्लेन यूज़ मोर स्लिप, अगर आप उसको और अच्छे से अपने मन में, हो सकता है कि आपने सोचा कि चलिए ठीक है मैंने लिख दिया कि आज मुझे वहाँ पर जाके ना उससे मिलना है, और यार बड़ी प्रॉब्लम में जाऊँ कैसे, मेरे पैर में चोट लगी हुई है, इस तरह से आप सोचेंगे, तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करिए कि चलिए ठीक है मैं ऐसा कर लेता हूँ, उसको बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, तो मेरे पैर में चोट है तो मैं नहीं आ सकता। तो इफ़ यू नीड टू एक्सप्लेन यूज़ मोर स्लिप, तो आप एक पर्ची पर इन चीज़ों को लिख सकते हैं, शाम को आपको उस चीज़ को कैसे फेस करना है, टैकल कैसे करना है सामने वाले बंदे को, कि उसको आप ये बता सको कि ये मेरी प्रॉब्लम से, तो ये थोड़ी सिचुएशन हो सकती है कि शायद मैं ना आ पाऊं, या जो भी उसका सीन है या प्रोसेस है। ठीक है, तो ये सारा एक प्रोसेस होता है, आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कहते हैं ना ड्रीम्स कम ट्रू, तो देखिए एक ड्रीम्स क्या होता है आपकी लाइफ में, एक तो होता है ड्रीम, ठीक है, और एक होता है आपका डीप ड्रीम, तो इनमें आपको पता है डिफरेंस का, एक जैसे कि हम प्रॉब्लम और एक डीप प्रॉब्लम, दो तरह की होती है, एक सिंपल के चलिए ठीक है ओके, एक ऐसी होती है कि जो आपको टेंशन में रखती है, एक ऐसी ड्रीम होते हैं कि एक ड्रीम एक डीप ड्रीम। ड्रीम क्या होता है, एक सिंपल का अच्छा कल ठीक है मैं एक बाइक ले लूँगा, दैट्स इट, बाइक ले लूँगा या मेरी फेवरेट गाड़ी आ जाएगी, फॉर्चुनर आ जाएगी या फिर एंडेवर मेरी फेवरेट गाड़ी आ जाएगी, दैट्स इट मेरा ड्रीम कंप्लीट। आपने 10 साल के बाद वो गाड़ी भी ले ली और आपकी हाथ में है, बस ये ड्रीम, इट्स नॉट ए ड्रीम, इट्स जस्ट ए विश या चॉइस या फिर आपकी एक जिद,
ड्रीम होती है आपकी हर एक एक चीज़ डिफाइन कि मुझे वो गाड़ी चाहिए और मैं अपनी गाड़ी लेके यहाँ से सीधा गोवा निकलूँगा और रात के 2 बजे उस ब्रिज पर या उस सिटी को पार करते हुए मेरी गाड़ी का मैं ये गाना वहाँ पर चलना चाहिए और मैं अकेला हूँ। इस तरह से आपकी पूरी एक एक जर्नी डिफाइन होनी चाहिए अपने ड्रीम के साथ, ठीक है? तो ये होता है एक डीप ड्रीम कि आप अपनी गाड़ी निकालो शोरूम से, घर पे ले जाओ, पैकिंग करो। आपने पहले से सोच रखा है कि मैं घर आऊँगा, फिर यहाँ से गाड़ी लेके सीधा अकेला गोवा जाऊँगा या मेरा दोस्त होगा तो हम इतना मस्ती करेंगे, और आपके वो सब ड्रीम कंप्लीट होते जा रहे हैं। आपकी गाड़ी निकालने के बाद गाड़ी घर से आई, गोवा गई, गोवा में आपने उस सिटी को क्रॉस करते ही एक आपने सोचा कि मैं अगर जा रहा हूँ तो वहाँ बारिश उस महीने में आती है तो मैं उसी महीने में जाऊँगा, मैं चाहता हूँ रात के 2 बजे रोड पर गाड़ी चलाऊँ बारिश के साथ और मेरा ये गाना हो, ठीक है? तो वो होते हैं एक डीप ड्रीम जो कि आप एक एक पॉइंट नोट करते हैं। तो इसी तरह इफ़ यू नीड टू एक्सप्लेन यूज़ मोर स्लिप, तो आप अच्छे से अपने प्रॉब्लम के लिए मोर स्लिप्स यूज़ कर सकते हैं उनको सॉल्विंग करने के लिए। द स्टार बर्स्टिंग द टेक्निक हु, सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम में क्या आता है, हु कौन व्हाट कहाँ व्हेन कब वेयर, व्हाट क्या व्हेन कब वेयर कहाँ व्हाई क्यों हाउ ये फ्रॉम वेयर टू वेयर, तो इन सब चीज़ के आपके पास आंसर होने चाहिए। कौन यार कौन, क्या ही प्रॉब्लम आ गई इस तरह से, व्हाट यार क्या एकदम से निकलता है यार, क्या हो गया अचानक से प्रॉब्लम, ये सब होते हैं योर प्रॉब्लम्स होती हैं। हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई हाउ फ्रॉम वेयर टू वेयर, ठीक है? तो आपको इन सब को अच्छे से फेस करना आना चाहिए। ये सब शब्दों को कहते हैं ना हु वर्ड वर्ड, तो ये सब आपकी लाइफ की पर डे की प्रॉब्लम है। क्यों आपकी मम्मी कहती है काम कर ले, क्यों मैं क्यों करूँ, वो भी तो कर सकता है, ठीक है? तो हाउ व्हेन कब, आपको मैंने बताया था ना, लाइक ऐसा कोई कहता है जब आपसे यार मैंने तुझे बताया था कल तुझे वहाँ पे आना था और ये वो है, तो आपको कि कब बताया था कब बताया था, ठीक है? तो चाहे आप वो आपको याद हो तो आपकी प्रॉब्लम, तो इन सब चीज़ों को आपको पर डे के माइंड में रखना ही चाहिए, ठीक है? डिसीजन ट्री सिंपल, यानी कि डिसीजन सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सॉल्यूशन सेकंड, यानी कि पॉसिबल आउटकम सब पर ही पॉसिबल आउटकम है। देखिए डिसीजन हो लो आप दो तरह के, ए और बी, ठीक है? फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट पे अलग अपनी स्ट्रेटजी बना के रखो, सेकंड पे अलग पॉसिबल आउटकम, यानी कि आउटपुट तो तुम्हारा आना ही चाहिए। अगर एक प्लान आपका फेल होता है तो सेकंड वाला तो आपका प्रॉपर होना ही चाहिए, ठीक है? तो ये एक आपके लाइफ में एक स्ट्रेटजी तो होनी ही चाहिए। उसके बाद जनरेटिंग आइडियाज, लुकिंग एट द प्रॉब्लम्स फॉर डिफरेंट एंगल, ऑलवेज टेल योर सेल्फ डैट देयर मस्ट बी अनदर सॉल्यूशन आउट हियर। तो आपको हमेशा अपनी लाइफ में देखते रहना चाहिए प्रॉब्लम को अपने अलग अलग एंगल से। ऑलवेज टेल योर सेल्फ दैट देयर मस्ट बी अनदर सोल्यूशन आउट देयर, कि ये कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको हमेशा क्या करना है कि लुकिंग फॉर द प्रॉब्लम फॉर द डिफरेंट एंगल, आपको हर एक अपनी प्रॉब्लम्स को एक अलग अलग नज़रिए से देखना है और उनका सॉल्यूशन भी अलग अलग तरीके से ही करना है, ना कि हर चीज़ में एक ही चीज़ को आप मैनेज करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ है। उससे पहले क्या होता है कि इस तरह से मैं आपके पास एक इमेज प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप लास्ट वाले हो बल्ब, ठीक है? थोड़े से डार्क हो, यानी कि आपके पास अभी इतना सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का। थोड़े से ब्राइट हुए, थोड़े से ब्राइट हुए, थोड़े से ब्राइट हुए, थोड़े से ब्राइट हुए, और एंड में आके आप एकदम खिलौटे। जैसे ही ये बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी मिली, बिजली मिली, वो एकदम खुश हो गया। तब तक क्या था, तब तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, वो हर एक चार पाँच स्टेप पर एकदम सैड सीधा हुआ है। जैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी मिली, उसने अपना एंगल चेंज किया और उन सबसे अलग हो गया, यानी कि उसने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है बहुत अच्छे से, और वो अभी के लिए सबसे अकेला और हैप्पी भी है। वो बंदे अभी तक जो 5 बल्ब हैं ये ठीक से नहीं कर पाए, तो इनका भी हम यहाँ पे एक मैसेज दे सकते हैं किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व वाला बंदा इस तरह से हैप्पी रह सकता है। टूल एंड टेक्निक ऑफ चूजिंग, डिसीजन मैट्रिक्स, पेयर कंपेरिजन एनालाइज, डिसीजन ट्रीज, वोटिंग, ठीक है? डिसीजन मैट्रिक्स ले सकते हो, पेयर कंपेरिजन ये मैं सब में डिफाइन कर चुका हूँ, पेयर कंपेरिजन एनालाइज एक दूसरे से पेयर कर सकते हो। दूसरे जैसे आप चार पांच लोगों को प्रॉब्लम है तो आपकी कितनी सॉल्यूशन हो रही है, वो कितने दिक्कत में है या फिर कितने दिक्कत में नहीं है। डिसीजन ट्रीज, आपको अपना एक प्रॉपर एजेंडा बनाना होगा, प्रॉपर सेटअप बनाना होगा डिसीजन के लिए, ठीक है? वोटिंग, और एक दूसरे को बताना भी हो कि मैं ये प्रॉब्लम समय हूँ, तो आपके दोस्त भी ये कह सकते हैं हाँ ठीक है तू अब इन चीज़ों से बाहर आ चुका है, ठीक है? कैच ऑल द एरर, व्हेन जब आप अपना सारा का सारा
प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो ये जो आपके फेस पर स्माइल होगी कुछ इस तरह होगी, एक नई वाइब्स के साथ, एक नई टेक्निक्स के साथ, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस में आप ले सकते हो। एंड द असाइनमेंट क्वेश्चंस, फर्स्ट इज़ दैट व्हाट इज़ प्रॉब्लम, सेकंड इज़ दैट व्हाट इज़ स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड थर्ड इज़ दैट हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो आई होप कि आप इनको इजीली कर लोगे स्टूडेंट्स विद स्माइल के साथ। तो आई थिंक जब असाइनमेंट मिलते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है ना, तो आई होप कि आप इनको अच्छे से पुट कर पाओगे और अच्छे से रिजल्ट दे पाओगे। तो ये प्रॉब्लम्स तो आपको सॉल्व करनी है कि किस तरह से 3 क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपको इस असाइनमेंट्स के अंदर ही मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।